कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना जाओ। ऐसे जन सेवक के रूप में हम सबके बीच में मौजूद लाडनू से विधायक माननीय मुकेश जी भाकर से निवेदन कि अपना संबोधन। मोहन राम जी मुंड के प्रथम पुण्यतिथि आज इस मूर्ति अनावरण समारोह में हमारे बीच में पधारे जन जन के लाडले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब मंच पर विराजमान, सारे जन प्रतिनिधिगण और मेरे सामने विराजमान डीडवाना के प्रत्येक गांव से पधारे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें और युवा साथी। एक शेर है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। और आज इसको हम प्रत्यक्ष रूप में इस निमोद के इस खेत में शहीद मोहन राम जी मुंड की इस प्रतिमा के सामने एक मेले के रूप में, एक आयोजन के रूप में पहले इस पुण्यतिथि समारोह में हम सब देख रहे हैं। मैं आदरणीय मोहन राम जी, स्वर्गीय श्री मोहन राम जी मुंड को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवार को और इस आयोजन समिति में आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने उनकी शहादत को, उनकी वीरता को जिंदा रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। और उससे ज्यादा मैं धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब को देना चाहूंगा कि नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव राजस्थान में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी आप पर है, फिर भी आपने एक अमूल्य इस बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर आपने आज इस समय इस मोहन राम जी मुंड की प्रतिमा के इस अनावरण समारोह में दिया। इसके लिए मैं प्रत्येक नागौरवासी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय पायलट साहब, 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस राजस्थान में जहां कहीं भी शहादत की घटना हुई, जहां कहीं भी कोई शहीद होकर आया, तो उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए, उस शहीद को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए आप प्रत्येक गांव गाणी में पहुंचे और आपने कथनी और करनी में फर्क नहीं करते हुए आज आप जब उप मुख्यमंत्री हैं और आप पे सरकार का जिम्मा भी है, उसके बावजूद भी जहां कहीं भी राजस्थान में शहीद की घटनाएं होती है, जहां कहीं भी शहादत देकर कोई जवान अपने घर आता है, तो उसके प्रत्येक के घर पहुंचकर आप उनके आंसू पोंछने का, उस जवान की शहादत को सलाम करने के लिए आप वहां पहुंचते हैं। पुणे में आयोजन समिति को, क्योंकि जो जिन्होंने इस देश के लिए अपनी वीरता, अपने प्राण त्याग दिए, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और उनके लिए सबसे बड़ा काम ये हो सकता है कि उनकी वीरता को और उनकी शहादत को हम अपने दिलों में, अपने समाज में, अपने गांव में किस तरीके से जिंदा रख सकते हैं। मैं पुणे आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और पायलट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत।